जोखिम में डालकर भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं सैकड़ों आदिवासी परिवार। विकास की पोल खोलती नजर आ रही है इन गांवों की तस्वीरें। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी सभी राजनीतिक दल व उनके नेता भले ही विकास के ढिंढोरा पीटते हुए नजर आए, लेकिन यदि बात की जाए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया क्षेत्र की, तो यहाँ कई गांवों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह न केवल विकास की पोल खोलती हैं लेकिन दिल को भी झकझोर कर रख देती हैं। देखा जाए तो अशोकनगर जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सागर पंचायत के गांव सुदामापुरी की, तो यहां सैकड़ों आदिवासी लोग आज भी पानी के लिए न केवल जान जोखिम में डालते नजर आते हैं, क्योंकि यह ग्रामीण एक गड्ढे में लगभग 25 फीट उतरकर गंदा कीचड़ युक्त पानी पीने को मजबूर है। देखा जाए तो यह स्थिति कोई पहली बार नहीं है बल्कि कई वर्षों से है, क्योंकि यहां 5 हैंडपंप होने के बाद भी जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पाइपों में पानी नहीं आता। इसके लिए अधिकारियों को इन हैंडपंपों में सबमर्सिबल डालना चाहिए, लेकिन गरीबों को इस तरह नरकीय जीवन जीने के बाद भी अधिकारियों की नजर इस ओर तक नहीं गई, जिसके कारण सैकड़ों आदिवासी ऐसा पानी पी रहे हैं जो जानवर भी न पिए। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि पानी की कमी के चलते वह 10 दिन तक नहीं नहाते। वहीं ग्रामीणों की परेशानी का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि इस गांव में कई समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, लेकिन ग्रामीणों की सिर्फ और सिर्फ पानी की ही मांग है और इनका कहना है कि हमको पानी की व्यवस्था करा दी जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा बात की जाए तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसी दफ्तरों में बैठकर विकास की बातें करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की नजर इस ओर कब तक जाती है, जिससे इन ग्रामीणों को इस डिजिटल युग में साफ पानी पीने को नसीब हो जाए। आराम से पानी नल बिगड़ बनवाए या शुरू में नहीं बसाओ बेटा सही कहे को नहीं आओ जी ठाकुर माकर सब पीछे से आए यहाँ बढ़िया आवत है सब बसो यहाँ पानी 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 के लिए आपको कितने दूर जाना पड़ता है? पानी हमें बहुत दूर से ले आना हमें ढाई तेरह से ले आना तेरह से ले आना हैंडपम्प सब खराब पड़े यहाँ पानी है ही नहीं आ रहा रो पानी की लाइट की हमरे ना पानी नहीं है। देख रहा है तुम कुगन में से हम नहर नहर को पानी भर रहा है, गिर जाए मर जाए हमारे बच्चे तो पानी भरा ही नहीं पाए, 15-15 दिन नहा भी नहीं पाए। बच्चे तो हमारे यहाँ से फिरते हैं जैसे बिल्कुल सियाजा रहे कि इनके बाप मता ही ना हो, जब जिन्हें नहा भी पानी नहीं मिलता है और मीटर लगे हैं बिलारा हुआ है, मन लाइट नहीं है, डीपी नहीं है, मोड़ मोड़ मलेरिया बनता है बरसात में तो हम इलाजे भी नहीं कर पाए, झोरे चढ़ जाते हैं और लाइट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। बिल आते हैं हम कहा में से भरे, जब हमारी लाइट जले हम बिल भरे नहीं, हमें कोई हम बिल नहीं भर रहे और हमारे पानी की ज्यादा व्यवस्था हमारी टपाइया उड़ रही है बस कार बरसात में जितने खचते सीढ़ आती है सोवे जगह नहीं रहती है, तो हम सबके मकान बन गए जी के बड़े बड़े आदमी तो मकान मानो छोटे आदमी मकान नहीं है। ये तो जानकारी अभी कोई किसी ने ना तो आवेदन दिया है ना ही कभी कैंप में नहीं बताया, हम लोगों ने मीटिंग भी अभी ली थी पेयजल के संबंध में और सारी समस्याओं के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली थी तब भी ये समस्या नहीं आई, क्योंकि आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है तो हम तत्काल हम PHE की टीम को भेज रहे हैं और दिखवा लेते हैं और हैंडपम्प या जो भी सोर्स वाटर रहेगा तत्काल व्यवस्था हम कराएँ। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।